साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल समय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS होम साइंस सबक नंबर 22, 10वीं और 12वीं जमात दोनों जमातों के लिए एक ही वीडियो, और होम साइंस का ये आखिरी सबक है। आज मैंने 22 सबक जो थे आपके वो पूरे करा दिए, 22 के 22, और ये 22 सबक इंशाल्लाह आपको पेपरों में भी मदद करेंगे। और इन 22 सबक की एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, और उन 22 के 22 एक ही वीडियो में आप इधर उधर ढूंढते नहीं फिरेंगे, आपको एक ही वीडियो में 22 सबक पूरे मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी जल्द आपके पहले पूरे 22 चैप्टर डाले जाएंगे, फिर उसके बाद वो एक वीडियो बनाई जाएगी, लंबी वीडियो होगी, ताकि आप उसी एक वीडियो से भी पढ़ सकें या उसे सुन सकते हैं, सुन के भी काफ़ी आप जो है याद हो जाए। सवाल नंबर एक है, आपका ख्याल में तौलीदी निज़ाम की पुख्तगी से पहले औरत की हमला होने के क्या नतज हैं? अगर वो जो है पुख्तगी नहीं आती उसमें, कि वो पूरी तरह से जो है जवान नहीं होती औरत, तो अगर उसकी शादी आती है तो क्या नतज होगी? औरत के हमला होने के मौजूद तरीन उम्र 20 से 35 साल समझी जाती है, यानी उसकी उम्र जो है 20 से 35 साल हो तो वो सही। 20 साल की उम्र से पहले तौलीदी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चे की पैदाइश माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरे में डाल सकती, जाने दोनों इस इस्तकात हमल का ख़तरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए, जब तक वो मुकम्मल जो है 20 साल या उससे ज़्यादा की ना हो जाए तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि जो है वो मुकम्मल तौर पर बच्चा भी सेहतमंद हो और माँ को भी कोई ख़तरा लाहक ना हो। इसके बाद अगला सवाल है, जिचकी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल में मिलते जुलते दो अवामिल का जिक्र करें। ठीक है, यानी डिलीवरी, ये अवामिल क्यों अहम है? तो क्या देखभाल करनी चाहिए माँ और बच्चे की दोनों की? तो वो उसके पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट डिलीवरी का मतलब है बच्चे की पैदाइश के बाद की मुद्दत, यानी जब वो पैदा हो जाए तो उसके बाद की मुद्दत में क्या करें। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की देखभाल की और बच्चे की देखभाल की बहुत ज़रूरत, क्योंकि औरत या माँ बच्चे को जन्म देने के बाद दबाव के दौर से गुजरती है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के दौर से गुजरती, उस वक्त उसे पुरानी सेहत में वापस आने में वक्त के साथ साथ इजाफी देखभाल की ज़रूरत, यानी वो जैसी पुरानी कंडीशन में थी, जैसी सेहतमंद थी, उसमें वापस लौटने में इजाफी देखभाल की ज़रूरत है। अब बच्चे की देखभाल के बाद खुसूसन देखभाल की ज़रूरत होती है, उनके बाद बच्चा पैदा हुआ बच्चा एक दिन में 16 घंटे सोता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो पैदा हुआ बच्चा होता है वो एक दिन में 16 घंटे वक्तन फवक्तन रोता है और उसे बार बार खाना खिलाने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, इसके बाद अगला सवाल है, बच्चे की पैदाइश से ही माँ का दूध पिलाना क्यों ज़रूरी? यानी अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद से ही माँ का दूध पिलाना क्यों ज़रूरी है? दूसरी चीज़ें क्यों नहीं पिला सकते, यानी बाहर के जो दूध वगैरह हैं वो क्यों नहीं पिला सकते? बच्चे की पैदाइश के पहले घंटे में ही माँ का दूध पिलाना बेहतरीन अमल है, यानी अगर जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके पहले ही घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिला दिया। यहाँ पे लिखा है, छाती के दूध में एक पीले रंग का सियाल होता है जिसको कैलेस्ट्रिम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, जिसमें मज़ाहमत होती है, मज़ाहमत का मतलब होता है लड़ने की ताकत, इसलिए बच्चे को माँ के दूध पिलाने के फौरन बाद उसमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है, यानी वो जो है तो जो इस तरह की अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती हैं उनसे उनमें लड़ने की क्या हो जाती है, सलाहियत पैदा हो जाती है, और बच्चा मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रहता है और बच्चा मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बच जाता है। माँ के दूध में बच्चे के लिए ज़रूरी तमाम गज़ाए अज्जा काफ़ी मकदार में होते हैं, इसके अलावा बच्चा माँ का दूध आसानी से हज़म कर लेता है। ये सारी बातें होती हैं, बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, कहते हैं ना माँ का दूध पिया तो बाहर निकल, तो ये जो मिसाल है ऐसे ही नहीं दी गई, माँ का दूध इतना ताकतवर होता है कि उसको बहादुर बनाता है, उसके अंदर ताकत देता है, उसके अंदर हौसला देता है, इसी वजह से तो कहा जाता है अगर तुमने एक माँ का दूध पिया तो बाहर निकल,
वो मिसाल गलत नहीं है, वो अपनी जगह मिसाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बच्चे के लिए हाजिम भी होता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और उसे ताकतवर बनाता है। और जाहिर बात है जब बच्चा ताकतवर होगा तो सामने वाले का मुकाबला भी कर सकेगा। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, एक जोड़े को अपने ख़ानदान की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, वजह दो, यानी वजह बताओ क्यों करनी चाहिए। इसका जवाब है, एक जोड़े को ख़ानदानी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे माँ की सेहत पर असर डालते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं तो होम साइंस का कहना है कि उसकी सेहत पर असर डालते हैं, माँ की तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है और जो उसकी वालदा है उनके तबीयत में चिड़चिड़, जिसकी वजह से वो बच्चों को मारती और डांटती है, और चिड़चिड़ापन पैदा होने की वजह से वो माँ जो है बच्चों को मारती भी और डांटती। हसद और इनराफ ज़्यादा बच्चों से आता है, ठीक है, हसद और इनराफ भी ज़्यादा बच्चों से पैदा होता है। ज़्यादातर बच्चों से बच्चे अपने बारे में गैर महफूज महसूस करते हैं, वालदेन को कम बच्चों पर अच्छा खर्च करके अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, यानी जो है उनकी पैदा कम बच्चे होंगे तो अच्छा खर्च कर सकते हैं और उनकी जो मुस्तकबिल है अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, वरना वो बच्चे अपने आप को गैर महफूज भी कर समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं उनका देखभाल रखना मुश्किल हो जाता है और उसके पास इस तरह खर्च भी नहीं हो सकता। तीसरा सवाल है, आमला औरत को खुराक में कौन से अनासर ज़रूरी है, जो आमला औरत होती है उसके खुराक में कौन से अनासर ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, खुराक मतलब उसके खाने में क्या क्या उसे मिलना चाहिए जिससे वो सेहतमंद रहे, वो भी और उसका जो जन्म लेने वाला पैदा होने वाला बच्चा। सबसे पहला इसका जवाब दे रखा है कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी कैल्शियम के लिए दूध का इस्तेमाल, दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, मुकम्मल खुराक भी है तो उसको सबसे पहले हड्डियों की नशोनुमा के लिए और कैल्शियम के लिए दूध का खूब इस्तेमाल करें। पट्ठों की नशोनुमा के लिए प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन जैसे दालें हैं, अंडा है, पनीर है वगैरह, ये सब चीज़ों से खानी चाहिए। दिमाग के लिए और नशोनुमा के लिए ज़रूरी मादनियात के लिए सब्जियों, पन्नों वगैरह, सब्जियां और फल, ये चीज़ों से खानी चाहिए दिमाग के लिए। तवानाई के लिए ज़रूरी कार्बोहाइड्रेशन के लिए चावल और गंदम, ये सारी चीज़ों से खानी चाहिए, उससे उसकी सेहत जो है बहुत अच्छी रहेगी और आने पैदा होने वाले बच्चे की सेहत भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगला सवाल है इसके अंदर, सवाल नंबर 6 के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी, यानी बच्चे के लिए जो वैक्सीन लगती है बच्चों के बचपन में ठीक है वो लगना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है, बच्चों की मुतअद्दी बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी, यानी जो वो बीमारियाँ होती हैं बच्चों को लग जाती हैं बचपन में ही, बचपन पैदाइश के वक्त, उनसे बचा। माँ के लिए ज़रूरी कि अपने बच्चे की हिफाजती टीकों का मुनासिब शेड्यूल मालूम करे, वो माँ के लिए भी ज़रूरी है और बाप के लिए भी, कि वो पता करे भाई कौन सा टीका कब लग रहा है, इन सब चीज़ों ताकि बच्चे को सही वक्त पर वैक्सीन लगाई जा सके, ताकि जो है बच्चे को सही वक्त पर जो वैक्सीनेशन है वो लगाई जा सके। इसका आखिरी सवाल है, ये बिल्कुल आखिरी सवाल है और होम साइंस का भी आखिरी सवाल, ठीक है, इसके बाद हम होम साइंस का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, 10वीं जमात का भी करेंगे और 12वीं का भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं नया सब्जेक्ट रखूँगा पढ़ाने के लिए आपके लिए, सो होम साइंस काफ़ी दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की देखभाल से मुतालिक कुछ तजवीज़ दें, माँ की जो है बच्चे की पैदाइश के बाद किस तरह देखभाल रखें। पहले इससे पहले जो हमने पढ़ा माँ और बच्चे दोनों की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माँ को अच्छा और ग़िज़ाइत से भरपूर खाना खाना चाहिए, माँ को जो है अच्छा और ग़िज़ाइत जिसके अंदर खूब ताकत हो, दूध, पनीर, फल, सब्ज़ियाँ, दालें, फलियाँ, मूँगफली वगैरह, जैसा खाना उनके लिए अच्छा, ठीक है, ये सब खाना। नॉन वेज में चिकन, अंडा, गोश्त और मछली वगैरह भी खा सकते, ये सारी चीज़ें भी वो खा सकते। अगर कोई ख़ानदान महंगे फल, दूध वगैरह भी नहीं खा सकता तो माँ को कम से कम चपाती, चावल और दाल एक साथ खा, ये सारी चीज़ों से खिलानी चाहिए ताकि वो सेहत नई माँ यानी बच्चे की पैदाइश के चंद दिनों बाद नहा सकती है। गुसल पहले हफ्ते में किया जाए और उसके बाद पहले की तरह रोज़ाना गुसल किया जाए। ख्याल रहे कि बच्चे की पैदाइश के बाद नहाना नुकसानदेह नहीं,
ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई। वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और आप जो है नोट्स और एडमिशन भी करा सकते हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब जान सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।